दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसके लिए आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल कब आएगा, तो वो अब आ चुका है फाइनली। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, बाकी परसों यूनिवर्सिटी और दुर्ग यूनिवर्सिटी से यहाँ के जो दिशा निर्देश है थोड़े से अलग है। तो क्या है ये डिटेल में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो एग्जाम होने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते वीडियो को। आज की डेट में ये है तो देखिए किन किन लोगों की होगी। तो यहाँ सभी लोगों का होगा। देखिए यूजी वाले के फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, और पीजी वाले के पूर्व अंतिम, उसके साथ डिप्लोमा के जो कोर्सेस है उनके, ये सभी के एग्जाम होंगे ऑनलाइन मोड पर ये होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें रेगुलर, प्राइवेट, भूतपूर्व, पूरक सभी स्टूडेंट का होगा, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं छूटेगा। जिन्होंने भी ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भरा है इस सत्र के लिए, उनकी मुख्य परीक्षा यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर होने वाली है। तो मैं एक एक यहाँ सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, आप सभी कॉलेज वालों का, यूजी पीजी का, रेगुलर, प्राइवेट, भूतपूर्व, पूरक सभी का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटी ने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि किस प्रकार से उनके प्रश्न पत्र आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, उत्तर पुस्तिका कब से मिलेगी, कैसे मिलेगी और कब जमा करना है, कैसे जमा करना है, ये सब डिटेल दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र प्राप्त करने की विधि और इनकी उपलब्धता तथा लिखित उत्तर पुस्तिका को जमा करने के संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कैसे लेना है, फिर आंसर शीट कैसे लेना है, लिख कर आंसर शीट को जमा कब और कैसे कहाँ करना है, ये सब यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है। इतना यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन अथवा वेबसाइट से प्रिंट की हुई कोरी उत्तर पुस्तिका मान्य नहीं होगी, आप खुद भी आंसर शीट नहीं बना सकते, आपको अपने कॉलेज से ही लेना पड़ेगा, ये बताया गया है। 32 पेजों का आंसर शीट होगा, बस इतना ही बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपका एडमिट कार्ड है, वो 10 अप्रैल से परसों से यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बिलासपुर यूनिवर्सिटी .ac.in और exam.bucgexam.in से डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिंक पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर विज्ञान संकाय वाले बुधराम पटेल का मोबाइल नंबर है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कला के लिए कन्हैया रोहित दास और गोपाल प्रसाद नेताम का यहाँ मोबाइल नंबर दिया है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत हो तो। एमए बीएड हेतु श्रीमती सुषमा पारचे का यहाँ मोबाइल नंबर दिया गया है। वाणिज्य संकाय के लिए सुखनाथ यादव का मोबाइल नंबर है, और सहायक का कुल सचिव परीक्षा गोपनीय श्री प्रदीप सिंह का यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर इनसे काम नहीं बनता है तो विशेष परिस्थिति में इनको कॉल कर सकते हैं। अब ऑनलाइन है तो पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन ये प्रावधान नहीं है, हालांकि बस्तर यूनिवर्सिटी में प्रावधान है ऐसा उनके नोटिफिकेशन में दिया गया था, लेकिन ये बाकी सभी यूनिवर्सिटी में ये तो नहीं है। और यहाँ पर आरटीआई भी आप लोग नहीं लगा सकते। अब चलिए देखते हैं आगे, टाइम टेबल ही देख लेते हैं, अब इतना ही दिशा निर्देश दिया गया है, अब ये एक टाइप से अधूरा है, आगे इसके और नोटिफिकेशन भी आएंगे तो वो भी मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलिए यहाँ पर टाइम टेबल देख लेते हैं। तो देखिए पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट का है ये, तो इनके एग्जाम जो हो रहे हैं 25 मार्च सोमवार से चालू हो रहे हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड टाइम, अब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड टाइम लिखा गया, इसका मतलब प्रश्न पत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगा सुबह के 8 बजे। तो एक ही दिन सारे क्वेश्चन पेपर इसके आ जाएंगे, अब पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एक ही दिन मिल जाएगा। अब इसके बाद कितने दिनों तक आपको लिखना है और कितने दिन बाद जाके जमा करना है ये यहाँ पर नहीं बताया गया है, ठीक है। ये आ जाएगा पेपर के जो तारीख है इसके पहले नोटिफिकेशन अब आएगा दिशा निर्देश एक दो दिन में, उसमें बताया जाएगा कि कब जमा करना है। ये तो हो गया आपका 25 तारीख को पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन पेपर एक ही साथ अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग, ये भी 25 तारीख को इसके भी सारे पेपर आ जाएंगे। और पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी सारे पेपर 8 बजे ही आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर वाले का भी 25 तारीख को ही है 8 बजे, इनका भी सभी पेपर एक साथ आ जाएगा। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स, इनके लिए भी 25 तारीख को है सुबह के 8 बजे, सारे पेपर एक साथ आ जाएंगे। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन
सेकंड ईयर वाले के लिए 25 तारीख को ही है, तो बहुत सारे एग्जाम इनके 25 से स्टार्ट हो रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एक ही साथ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसको लिख कर कब तक जमा करना है ये यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं बताया है। उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी 25 तारीख को सुबह 8 बजे सारे क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर इसका भी 25 तारीख को ही आएगा, 25 अप्रैल को, लेकिन इसका टाइम है 12 बजे दोपहर के, तो 12 बजे दोपहर के सारे क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर का 25 तारीख को ही है, दोपहर के 3 बजे, ठीक है। तो टाइमिंग चेंज हो रहा है, तारीख वही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 25 तारीख से स्टार्टिंग के दिन में ही सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी 25 अप्रैल को 8 बजे सारे पेपर एक साथ आ जाएंगे। बीए पार्ट वन रेगुलर वालों के लिए, अब रेगुलर और प्राइवेट का यहाँ पे देख लीजिए, बीए पार्ट वन रेगुलर वाले के लिए 26 अप्रैल से आएंगे सारे पेपर एक साथ आएंगे, और उसके बाद 8 बजे तक आधे पेपर आएंगे क्वेश्चन, उसके बाद 12 बजे भी यहाँ पर बहुत सारे पेपर आएंगे। तो 25 तारीख को ही बीए फर्स्ट ईयर वालों का, रेगुलर वालों का यहाँ पे 8 बजे और 12 बजे क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे गए हैं कि 12 बजे कौन कौन से आएंगे और 8 बजे कौन कौन से पेपर आएंगे, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए, वहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं, पूरा टाइम टेबल अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे नोट में यह भी लिखा गया है कि बीए के फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के जो मैथमेटिक्स लेके रखे हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, तो इनके जो परीक्षार्थी है वो बीएससी के फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर के साथ संबंधित विषय प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित परीक्षा तिथि और समय अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होंगे, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद बीए पार्ट वन वो तो अब ये प्राइवेट वालों के लिए है, तो प्राइवेट वालों के लिए 27 अप्रैल से है, सुबह के 8 बजे आधे पेपर आएंगे, उसके बाद बाकी के बचे हुए पेपर दोपहर के 12 बजे आएंगे। अब कौन से पेपर आएंगे ये आप लोग देख लीजिए, और 3 बजे भी आएगा मैथमेटिक्स थर्ड आएगा, ठीक है। तो प्राइवेट में मैथमेटिक्स थर्ड पेपर 3 बजे आएगा, ठीक है। उसके बाद बीए सेकंड ईयर वालों के लिए 28 अप्रैल से सुबह के 8 बजे और बाकी बचे हुए पेपर दोपहर के 12 बजे, कौन कौन से पेपर आएंगे इसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसका पीडीएफ का वो देख लीजिए। नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के रेगुलर, प्राइवेट, एक्स और सप्लीमेंट्री के इन्वायरमेंटल स्टडीज और ह्यूमन राइट के परीक्षार्थी बीए पार्ट वन के 001 जो इसका पेपर कोड है उसके साथ संबंधित विषय प्रश्न पत्र कोड AJ1003 हेतु निर्धारित परीक्षा तिथि एवं समय अनुसार परीक्षा में शामिल होंगे, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे और भी लिखा गया कि बीए फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक मैथमेटिक्स जो लिए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के परीक्षार्थी बीएससी के फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर तक के जो संबंधित विषय के प्रश्न पत्र हेतु परीक्षा की तिथि एवं समय अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होंगे, ये भी बताया गया है। उसके बाद बीए फाइनल ईयर वालों का 29 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, सुबह के 8 बजे पेपर आएगा, उसके बाद बाकी बचे हुए दोपहर के 12 बजे आएगा और 3 बजे यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर पेपर आने वाला है, ये नोट भी पढ़ लीजिए, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद बीएससी पार्ट वन वालों का शनिवार से हो रहा है बीएससी वालों का स्टार्ट, इनके भी 3 शिफ्ट में पेपर आएंगे, 8 बजे, 12 बजे और दोपहर के 3 बजे, ठीक है। मैथ्स ग्रुप का है, बीएससी के साथ मैथ्स ग्रुप जिन्होंने लिया है। उसके बाद बीएससी पार्ट वन का ही बायो ग्रुप वालों का 30 अप्रैल से आएगा, 8 बजे, 12 बजे और 3 बजे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर आएगा। उसके बाद बीएससी सेकंड ईयर वालों का 2 मई से स्टार्ट होगा, 3 बार इसका पेपर अपलोड होगा, 8 बजे, 12 बजे और 3 बजे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बीएससी पार्ट 3 के यहाँ पर 3 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, सुबह के 8 बजे, दोपहर के 12 बजे और 3 बजे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर नोट भी लिखा गया, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बीकॉम पार्ट 1 का यहाँ पर दिखाया गया है कि 4 मई से ये पेपर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, 8 बजे और 12 बजे, ठीक है। उसके बाद बीकॉम पार्ट 2 इनका 4 मई को इनका भी आएगा, 8 बजे, 12 बजे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बीकॉम फाइनल ईयर का यहाँ पर 4 मई से ही है, इनका भी 8 बजे और 12 बजे होगा। और उसके बाद बीएससी होम साइंस का 5 मई से है, 8 बजे सारे पेपर आ जाएंगे। बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर और बीएससी होम साइंस सेकंड ईयर का भी 5 मई से है, और
बीएससी होम साइंस के फाइनल ईयर वालों का भी 5 मई के हैं, उसके बाद बीबीए पार्ट वन का भी 5 मई को ही 12 बजे और 3 बजे इनके क्वेश्चन पेपर आएंगे, बीबीए पार्ट टू का यहाँ पर 5 मई को ही 12 बजे और 3 बजे इसके पेपर आएंगे, उसके बाद बीबीए फाइनल ईयर वालों का भी 5 मई को है, टाइमिंग 12 से 3 रखा गया है। बीसीए पार्ट वन का भी 5 मई को ही आएगा 3 बजे, बीसीए पार्ट टू न्यू कोर्स का यहाँ पर 5 मई को दोपहर के 3 बजे आएगा, बीसीए फाइनल ईयर वालों का न्यू कोर्स का भी 5 मई को 3 बजे यहाँ पर आएगा। उसके बाद एमए प्रीवियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका 6 मई को सुबह के 8 बजे सारे पेपर आ जाएंगे, एमए प्रीवियस इंग्लिश का 6 मई को 3 बजे आ जाएगा और एमए प्रीवियस हिंदी का भी 6 मई को 12 बजे आएगा, एमए प्रीवियस संस्कृत का 6 मई को सुबह 8 बजे आएगा, एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस 6 मई को दोपहर का 3 बजे और एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी 6 मई को दोपहर के 12 बजे, एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स 6 मई को सुबह 8 बजे ये क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर आएगा और एमए फाइनल इकोनॉमिक्स 6 मई को 8 बजे ये पेपर आ जाएगा। और उसके बाद और देखते हैं, एमए प्रीवियस ज्योग्राफी 6 मई को दोपहर 3 बजे, एमए एमएससी प्रीवियस 6 मई को दोपहर के 12 बजे, एमकॉम प्रीवियस 6 मई को 12 बजे, एमए प्रीवियस हिस्ट्री 6 मई को 8 बजे और एमए प्रीवियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 7 मई को 8 बजे और एमए फाइनल इंग्लिश 7 मई को दोपहर 3 बजे, एमए फाइनल हिंदी 7 मई को 8 बजे और एमए फाइनल संस्कृत 7 मई दोपहर के 12 बजे और एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7 मई को दोपहर के 12 बजे, एमए फाइनल सोशियोलॉजी 7 मई को ही 8 बजे और एमए फाइनल ज्योग्राफी 7 मई को दोपहर के 12 बजे, एमए एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स ये आएगा 7 मई को 8 बजे, सारे पेपर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद एमकॉम फाइनल वालों का 7 मई को 8 बजे सारे पेपर आएंगे और एमए फाइनल हिस्ट्री का भी 7 मई को दोपहर के 3 बजे पूरे पेपर आ जाएंगे। तो ये था टोटल टाइम टेबल, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तो ये समझ में आ रहा है कि वेबसाइट पे आएगा, उत्तर पुस्तिका आपको कॉलेज से लेनी है, खुद बनानी नहीं है, लेकिन आंसर शीट लिखकर कैसे और कब जमा करना ये यहाँ पे नहीं बताया गया है, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसका वीडियो मैं आपको सेपरेट बनाकर बताऊंगा जब ये नोटिफिकेशन आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। इस टाइम टेबल का लिंक, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप ये टाइम टेबल डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन के साथ अगले दिन एक नए वीडियो में।